विश्वश्रीरामसेना सामाजिक संघटना आणि धन्वंतरी केअर हॉस्पिटलच्या वतीने चिखली पवार वस्तीत धनुर्वाताचे लसीकरण संपन्न. चिखली पवार वस्तीत घाणीचे साम्राज्य पसरलेले असून तेथे अनेक लहान मोठ्या कंपन्यांचे उद्योग व्यवसाय चालू आहेत. त्या संघटित कामगार काम करीत आहेत. त्यांना पावसाळ्यात काही इजा होऊ नये, धनुर्वात किंवा इतर आजार होऊ नये म्हणून विश्वश्रीरामसेना सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष लालबाबू गुप्ता आणि धन्वंतरी हॉस्पिटलच्या संयुक्त विद्यमाने धनुर्वाताचे इंजेक्शन देण्यात आले. त्यात 123 नागरिकांनी सहभाग घेतला. श्रीराम सेना की तरफ से मैं हर साल से ये कार्यक्रम करता है. मैं डॉक्टर जितेंद्र राठौर, जैसे हम हर साल में एक बार इंजेक्शन लगाते हैं. मिस्टर लाल गुप्ता जी, ये जो भी कंपनी में जो काम करते हैं वो सब गरीब लोग रहते हैं. उनको वैसे खुद तो ये हेल्थ का ध्यान दे नहीं सकते. वो क्या करते हैं कि उनको सिर्फ एक टारगेट रहता है, हमें महीने में ये कमाना है, इतना इतना काम करना है. लेकिन वो लोग खुद का काम बिल्कुल ध्यान नहीं देते. तो हमारे जो लाल गुप्ता जी है वो मिस्टर अकरम से कि विश्वराम सेना की तरफ से हम लोग हर साल में ऐसा कैंप करते हैं, जो कंपनी में जा कर के हम टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, धनुवात का इंजेक्शन लगाते हैं, कि इसकी वजह से जो गरीब लोग कंपनी में काम करते हैं उनको आगे जाके कुछ बीमारी ना हो, वो अपने हेल्थ की तरफ से ध्यान दिया जा सकता है, ऐसा काम किया जाता है. जैसे कोई भी अभी बारिश का टाइम हो गया है तो बारिश में ज़्यादातर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है. तो ये एक इंजेक्शन एक लसीकरण रहता है, टिटनेस एक लसीकरण रहता है. वो एक बार लगा लिया रहता है तो वो 6 महीने तक इंजेक्शन काम करता है. तो कभी भी हम वो इंजेक्शन, ऐसा नहीं कि हमें कोई पत्थर से कुछ लोखंड से कुछ लगाया तो हमें इंजेक्शन लेना चाहिए. ये इंजेक्शन अगर हम किसी को कुछ लगा नहीं है तो वो इंजेक्शन लिया तो वो इंजेक्शन 6 महीने तक काम करता है. जैसे एक बीमारी का प्रिवेंशन के लिए हम ये इंजेक्शन देते हैं. अगर जिसको ये कोई पत्थर लगा नहीं है, कुछ भी लगा नहीं है, तो वो इंजेक्शन लिया जाता है तो वो इंजेक्शन एक हेल्पफुल रहता है. हेल्पफुल इसलिए रहता है कि भाई कभी कुछ भी लगता है तो बीमारी ना हो. अगर किसी को पत्थर कुछ भी लग जाता है, फॉरन वेटर कुछ लगता है, तो इंजेक्शन लेने की वजह से वो बीमारी हम लोग ये कर देते हैं. तो लाल गुप्ता जी है वो हमेशा हर कंपनी में हम जा कर के ये काम करते हैं. जितने भी गरीबों को मदद करते हैं उतना लाल गुप्ता जी की तरफ से मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ रहता हूँ. आज हमने पवार वस्ती चिखली के असंगठित मजदूरों के लिए टीटी का इंजेक्शन लगाने का कार्यक्रम रखा हुआ था. वहाँ ज़्यादातर लोहे का काम होता है और ये मजदूर अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए. और हम पिछले 5-6 सालों से आरोग्य मंच के जरिए पूरे पिंपरी चिंचवड़ में आरोग्य शिविर करते हैं लोगों के आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए. या प्रसंगी संस्थापक अध्यक्ष लालबाबू गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, अकरम शेख, प्रदीप मिश्रा, धनंजय प्रसाद आणि इतर नागरिक मोठ्या संख्येने हजर होते. प्रतिनिधी महाराष्ट्र न्यूज, पिंपरी चिंचवड, पुणे.